कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग, जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं, और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है, गीता मंदिर और भलका तीर्थ है। क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर प्रकृति का जादू? सोमनाथ का ये मंदिर, यहां खुशबू है भक्ति की, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की। खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गीर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस यानी बबर शेर। राजा और प्रजा का अनोखा रिश्ता है यहां, क्योंकि शेरों के साथ इस जंगल में रहते हैं सैकड़ों इंसान। यूं लगता है जैसे शेर इंसान की रखवाली कर रहे हैं और इंसान शेरों की। तभी तो गिर में शेरों की आबादी बढ़ रही है। सदियों से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है ये शेर, और इनका घर है गिर। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।